अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, हर महीना मैं आपको 9 तारीख को करनूल में मिलूँगा इंशाअल्लाह। ये पत्ता चाट और इसके फ़ायदे अभी बतला तूँ मैं, इसके साथ साथ किडनी का पूरा एक डाइट प्लान बतला तूँ जो हर एक पेशेंट्स को पर्सनली नहीं बता सकता। तो ये वीडियो देख लियो और फ़ायदा उठा लियो, ठीक है ना। तो ये पत्थर चट्टा भी बोलते हैं इसको, और इसे क्या बोलते हैं, ज़ख्म हयात भी बोलते। दो नामा ही इसके, और भी बहुत सारे नामा हैं फ़िलहाल। एक पत्थर चट्टा, दूसरा ज़ख्म हयात, किडनी में के पत्थरे को निकाल देता है। और सबसे ख़ास बात इसकी, ये किडनी में ज़ख्म को भी दूर कर देता। जैसा कि क्रिएटिनिन किसी का बढ़ा हुआ है तो उसे घटाने में बहुत ज़बरदस्त काम करता। इसे दो पत्तियों को धो को चबा को खा लेना सुबह नहार पेट, फिर एक घंटे के बाद आप नाश्ता कर ले सकते। पेशेंट्स आके बोलते मेरे को, डॉक्टर साहब ये पत्ता पूरा ढूंढा लिया, एक महीना मिला नहीं पत्ता। बोलते उन्होंने पत्ते को ढूंढने में बिजी होगी, अल्लाह को नहीं ढूंढ रहे। अगर अल्लाह को ढूंढ लेते ना तो पत्ते को ढूंढने की नौबत नहीं आती थी, समझ रहे आप। जब अल्लाह को ढूंढ लिए तो आप सोच भी नहीं सकते, वो हर चीज़ मिलती आपको। अल्लाह को कैसा ढूंढते बोलो, कैसा ढूंढते? इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से पहला फ़राइज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे समझते और उसके ऊपर अमल करते। समझ रहे ना मेरी बात को, ला इलाहा इल्लल्लाह। आईफोन का रिंगटोन लगा लेने से, अभी बोला मैं, मोबाइल आईफोन नहीं बन जाता है नहीं। इसी तरह कलमा पढ़ते ही हमें मुसलमान नहीं हो जाते। मुसलमान वो है अपनी बात का पक्का रहना। जैसा कि जब बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी पे यकीन नहीं लाना, अल्लाह के सिवा किसी पे अकीदा नहीं रखना, अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुकाना नहीं, ये बोलता ना, फिर अमल भी करना है नहीं। अमल नहीं करते, बोल लेती, जा गिर जाती पैरों पर, किसके भी पैरों पर जा गिर जाते, किसे भी सजदा कर लेते है नहीं। ये सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह ताला राज़ी नहीं होते आपसे। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रही है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे सारे गुनाह को माफ़ कर देता हूँ, गुनाह चाहे किस कदर भी हो, अगर तुम मुझे किसी चीज़ के साथ जोड़ा तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करता, बोल के अल्लाह ताला फरमा रही कुरान में। और हमें चलना सोच कुरान और हदीस के मुताबिक। मरे के बाद सवाला शुरू होते, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अल्लाह कर को तब भी बोलेंगे आप जब यहाँ अल्लाह को पहचानेंगे। मरने से पहले कलमा तब भी याद आता जब हमें कलमे को समझेंगे, है नहीं। कलमे को समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये चंद बातें हैं, ज़रा अदनियाँ को चुपती भी, लेकिन ये बातें बोलना ज़रूरी है नहीं। तो और क्या है, ये पत्ता क्रिएटिनिन को कम करता, ठीक है ना, और जो है किडनी में के पत्थरों को भी निकाल देता। दो पत्ते धो के पोंछ के चबा के खा लेना नहार पेट। और गाल ब्लैडर स्टोन को भी मदद करता है। कैसा बोलो, गाल ब्लैडर स्टोन को दो पत्ते या 3 पत्तों का रस निकाल लो आप, उसमें एक चमचा शहद मिला लो, शहद, फिर एक काली मिर्ची के दाने के उतना शिलाजीत मिला लेना। दवा सस में पूछो आपको मिल जाता, मिला लेके उसे नहार पेट पी लेने से सुबह में और शाम में, ठीक है ना, पी लेने से एक महीने में आपका गाल ब्लैडर स्टोन भी निकल जाता इंशाल्लाह। और ये दवा सिर्फ एक बहाना है, शिफा तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास ही है। तो ये जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करके दवे को इस्तेमाल करो, यकीन लाओ। जब यकीन नहीं लेंगे तो शिफा नहीं मिलती आपको, है नहीं। अल्लाह के ऊपर यकीन ना हो, अरे कहाँ है कि भी अल्लाह क्या है कि मरे के बाद क्या होता, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख।
मरे के बाद मालूम होता जन्नत है दोजख है, तब फटती बराबर की है नी बद भौर तुम्हें कहता बोल अल्लाह भेजो अल्लाह फिर से एक बार दुनिया में मैं करता तू नहीं मानते। सख्त हिसाब होता, बहुत खतरनाक रहता वो माहौल, समझ में आ रहा आपको, हमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो किडनी पेशेंट्स क्या करो, सबसे पहले उन्होंने डरना बंद करो, टेंशन लेने को, जो कुछ भी होता अल्लाह की मर्ज़ी से होता, झाड़ में का पत्ता गिरना तो भी उसे अल्लाह की मर्ज़ी होना है नहीं। रिज़्क को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, रिज़्क देने की जिम्मेदारी अल्लाह की और अल्लाह सबको भी देंगे। एक चुमटी को अल्लाह बता देते देख तेरा रिज़्क वहाँ है, बोले तो चार जने को ले जा खाती उन्हें, हज़ार किलोमीटर ऊपर चील उड़ रही तो उसे बता देते अल्लाह एक गोश्त का टुकड़ा नीचे गिरा दे जग उठा ले को तो जट करके उठा लेती उन्हें। मच्छी को बोलते मुँह खोल, मुँह खोली को तो टन्नों का रिज़्क जाके उसके मुँह पे गिरता। ऐसे करोड़ों के मच्छियों को पाल रही अल्लाह ताला, और हर एक मखलूक में हमें एक बेहतरीन मखलूक इंसान, क्या अल्लाह ताला हमें भूखा रख देती? ये पेट के वास्ते हमें करती हैं जो गलतियाँ, किसी के ऊपर जलना, किसी के ऊपर जो है हसद करना, चुगलीबाज करना है नहीं, ये चीज़ों से दिमाग गर्म होता, ये सब बंद कर डालो, सिर्फ अल्लाह के अल्लाह को राज़ी करने का सोचो, दिमाग ठंडा रहता। तो टेंशन न खोलियो किडनी के पेशेंट्स, गुस्सा डर टेंशन ये नहीं, बंद। समझ में आ रहा आप सबको? आवाज़ जिस नहीं आ रही तो दिमाग को ठंडा रखो। दूसरा, प्रोटीन कुछ भी नहीं लेना, उससे पेट गर्म हो जाता। मैं सेहत के तीन निशाने बोला था, याद है ना, दिमाग ठंडा, जिस्म को गर्म, पेट को नरम। पेट को नरम कैसा रखना? प्रोटीन आइटम कुछ भी नहीं लेना, जैसे कि दूध, अंडा, मच्छी, गोश्त, नमक, पालक, टमाटर, शक्कर, ये आइटम आप कुछ भी नहीं लेना। समझ में आ रहा आपको? और जो है खाली लेना सो आइटम क्या, तुअर की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, भिंडी, बीन्स की फली, नरम नरम खाना, फिक्का दाल सल्ला, ये खाओ दरे दिन। समझ में आ रहा? ये एतेज एज डाइट में रहना आप, ये खाना और ये पूरा परहेज करना। और जो मैं कलौंजी से बनाता हूँ पुनर्जीवन बोल के, उसे खाली नाम दूँ बस, क्या है देखो, इंसान खाली वत्ताज कर सकता है नहीं। उस वो जो बॉटल है ना ग्रीन ढक्कन का, वो अगर आपको 2 लीटर पानी पी रहे आप डेली, तो वो खाली एक बॉटल पियो। अगर आपकी पानी की तादाद कम है पीने की, जैसा कि 1 लीटर पी रहे आप, तो वो आधी बॉटल पियो बस डेली, सुबह से लेकर रात तक थोड़ा थोड़ा, लाओ हैं बॉटल वो, सुबह से लेकर रात तक थोड़ा 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 पीना। और जैसा कि अगर आप 2 लीटर पानी पी रही, देखो ये आधी बॉटल है दिन में एक बार, सुबह से लेके रात तक थोड़ा थोड़ा, बोल तुम्हें अर्जेंट भागो रखो, सबर रखो है। तो ये आधी बॉटल, और जो है घोघरू का काटा, बड़ा वाला घोघरू का काटा, पीपल का पत्ता, 100 घोघरू के काटे ले लो, 100 पीपल के पत्ते ले लो, और इतना पुनर्नवा का पौधा ले लो, उसे 2 लीटर से पका के 1 लीटर कर लेना, वो 1 लीटर ये 1 बॉटल, अगर आप 2 लीटर पानी पी रही हैं तो। अगर आप 1 लीटर पानी पी रही बोले तो ये आधी बॉटल, और वो 50 घोघरू के काटे, 50 पीपल के पत्ते, और इतना पुनर्नवा 1 लीटर से पका के उसे 1/2 लीटर कर लेना। समझ में आ रहा आपको? इतना करो इंशाल्लाह, फिर अल्लाह से मांगो, आपके मरे हुए किडनियाँ में भी जान आ जाती इंशाल्लाह। 1 महीने में मेरे पेशेंट्स ऑलमोस्ट रेडी हो रही, 1-1 महीने में डायलिसिस रुक रही अल्हम्दुलिल्लाह, है नी। और भरोसा मेरे ऊपर करो, लोगों को भी भरोसा सिर्फ अल्लाह के ऊपर करो, जिस्म की गारंटी पूछो अल्लाह के पास। समझ में आ रहा? हाँ, और कुछ भी सवाल आता है किसी के पूछिए बाप। अब बोले ना मियाँ पानी का डाउट क्लैरिफाई, और कुछ बाकी है तो पूछ ले सकते हैं आप सब, है कुछ ना, है ना, ठीक है। लो तो फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ पर्सनली बात करता हूँ मैं, फिलहाल जो है फ्लो ज़्यादा होने की वजह से। वालेकुम सलाम। इसीलिए किडनी पेशेंट्स को पूरा बता दिया, अंदर प्रिस्क्रिप्शन फटाफट लिख दे तू, उसके हिसाब से आप दवा इस्तेमाल कर लो। और हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 को बीदर,
8 को रायचूर, 9 को करनूल और जो है 16 तारीख को मागड़ी, 17 तारीख को मैसूर, 18-19 तारीख को मिलूंगा होसूर, 21 तारीख को चेन्नई, 23 तारीख को गुंटूर, 26 तारीख को मुंबई, मुंबई में पेशेंट फ्लो ज़्यादा होने की वजह से डेट्स बढ़ भी सकते, और 28 तारीख को औरंगाबाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा फ़ोन नंबर 7795414139, 9900366495। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आपका अपॉइंटमेंट बुक करके आके मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।